कृष्णा, कृष्णा कहाँ जा रही हो? क्या मतलब घर जा रही हूँ। अकेले जा रही हो? गुल कहाँ है? यार वो अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही है। ओ अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं, कहाँ तुम इतनी दूर छोड़ने जाओगी, मेरा घर बस पास में ही है और वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट आने में भी आधा घंटा है, तुम आ जाओ ना, हम कहीं कैंटीन पे चलते हैं। यार नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। हाय गर्ल्स। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे जबरान ड्रॉप कर रहा है। क्या, तुम ये भूल कैसे सकती हो? यार मैंने रुशना को ऑफर करवा दी थी कि आज मैं इसे ड्रॉप करूंगी, और मेरे जहन से निकल गया कि आज तो तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो। हाँ तो इसमें क्या है, जब मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ तो फिर मैं रुशना को भी ड्रॉप कर ही दूंगा। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। तकल्लुक कैसे कर रही है, जैसे मेरे लिए सारा है वैसे आप, प्लीज। रुशना चलो ना, बहुत लेट हो गए हैं। अगर इन्हें पसंद नहीं था तो सारा तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, एक दफा इनसे पूछ तो लेती। देखो कितनी कंफ्यूज हो रही है ये। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही है, बल्कि चलो रुशना चलो ना, लेट हो रहे हैं, चलो। सारा थैंक यू, वेलकम। वैसे आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। क्या बात है फातिमा, कुछ परेशान लग रही हो? अम्मा जी परेशान तो नहीं हूँ, बस गुल के बारे में सोच रही थी। लड़की मास्टर कर ले तो लोग सवाल करने लगते हैं, बच्ची ने एमए कर लिया है, उम्र तो काफ़ी होगी, और फिर रिश्ते भी इसी तरह के आते हैं। अरे बेटा अल्लाह की जात से मायूसी कुफ्र है, अगर हमारी बच्ची ने डबल प्रमोशन ले लिया था और मास्टर्स जल्दी कर लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। फातिमा तुम परेशान मत हो, मैंने शहला से कहा है, वो रशीदा को फोन करेगी, उसके पास बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, और फिर हमारी बच्ची में किस चीज़ की कमी है, पढ़ाई लिखाई भी की है उसने और सलीकेमंद भी है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बस। अम्मा जी लोग पढ़ाई लिखाई सीरत कहाँ देखते हैं, सभी शक्लो सूरत देखते हैं बच्चियों की। अरे तो गुल हमारी ऐसी कौन सी कम शक्ल है, बहुत ही प्यारी है, ज़रा सा ओढ़ पहन लेती है तो कितनी हसीन लगती है। ये और बात है कि वो रुशना की तरह पार्लर नहीं जाती, वरना वहाँ जाके तो जितनी बदसूरत भी लड़की हो तो खूबसूरत लगने लगती। अम्मा आप लोग हमेशा मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, हर वक्त उस पर तनकीद, अब उसके पार्लर जाने पे भी एतराज है आप लोगों को, जबकि रुशना इतनी खूबसूरत है उसे जरूरत नहीं है कि वो पार्लर जाए। ये तो आप गुल को सिखाए ना कि वो जाए, इस जमाने के तौर तरीके के हिसाब से चले, वाजबी शक्लो सूरत की लड़कियों को तो वैसे भी पार्लर जाना चाहिए, अब रुशना के पार्लर जाने से भी जलन है सबको, ऐसा होता है क्या? फायजा ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम इतनी आग बगोला हो रही, क्या बातें सुना रही हो तुम? ये जितनी हसीन शक्ल की लड़कियां होती हैं ना, अगर उनके अंदर गुण ना हो तो हसीन से हसीन चेहरा भी बदसूरत लगता है। फजूल बातें कर रही हो,